गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का हमारे ज्ञान वेब सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं दिस वेबिनार इज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और आज का विषय है गोल्ड रिफाइनरी सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग सस्टेनेबिलिटी। और इस विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ है अनिल कंसारा जी, ऑरो मेटल रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, मेंटर एंड टेक्निकल एडवाइजर। हम एक छोटा सा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का 1 मिनट का वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद सर यू कैन कंटिन्यू द सेशन। उसूल सुनने में एकदम सख्त पर सोचो तो मजेदार है। बोलने में उसूल आसान सरल उसका उच्चार है, पर समझ तभी पाएगा घर चलेगा कोई अकेला चार कदम उसूलों पे। जो उसूलों पे चल सका उसके जीवन में दिशा है। उसूलों में कठिनता है, कई बार उसूलों पे चलने वाले को मिलती कई चुनौतियां हैं। नामुमकिन तो नहीं पर काफी मुश्किल है उसूलों पे अकेले चलना। सिर्फ उसूल भी अकेले कहां कुछ कर पाते हैं, साथ तो उन्हें भी चाहिए उसूलों पे चलने वालों का। उसूलों पे अगर सब साथ चलें तो उसूल उसूल नहीं उससे कई ज्यादा है। साथ चलें तो उसूल परंपरा है, संस्कृति है, सामाजिक संपत्ति है जिस पे निर्भर हो सकती है आने वाली कई पीढ़ियां। कीमत भले उतनी ही चुकानी पड़े उसूलों की, पर साथ चलें तो उसूल पूरा पैसा वसूल है। साथ चलें जो उसूलों पे उनके जीवन में सफलता है। उसूलों पे साथ चलना मेरा तुम्हारा हम सबका इसी में फायदा है। स्वर्ण आदर्श अभियान एक औद्योगिक पहल। सो थैंक यू शिवा। सो आई रिक्वेस्ट टू अनिल जी, गो अहेड। यस सर, वेरी गुड आफ्टरनून टू everybody here on this platform, and thank you IBJA and thank you World Gold Council for inviting me to present part some knowledge about the refining setup, gold refining setup in particular. And I think probably the word gold refining is quite well known in India. It's been going on since so many years. हम लोग काफी साल से gold refining India में चलता ही है। छोटी मोटी मिला के मेरे ख्याल से सबसे मैं समझ रहा हूँ बाहर छोटी रिफाइनरी, बड़ी एस्टेब्लिश रिफाइनरी, मीडियम साइज की रिफाइनरी सब मिला के कम मेरे हिसाब से 15 से 2 हज़ार रिफाइनरी ऑलरेडी इंडिया में है। तो ऐसा तो कोई नया सब्जेक्ट है नहीं गोल्ड रिफाइनरी सेटअप का, मगर आज की तारीख में लुकिंग एट द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट लाइक वी जस्ट हैड अबाउट 2 डेज बैक वेबिनार अरेंज बाय मिस्टर जेम्स जॉर्ज बाय IBJA रिगार्डिंग India government now thinking of establishing or probably bringing out hallmarking of gold bullion also. Though in that context, I think probably the refinery which are already existing or those who are going to think of setting up a refinery, they may have to come up to certain minimum requirement. And otherwise also, like if you want to set up a refinery, there has to be a minimum requirement. So I'm just going to briefly tell you what are the basic fundamentals of setting up a refinery. Dubey ji, choda mere ko apna screen sharing karne ki. Maine already yes sir, share kijiye, aapko co-host hi banaya hai. Yeah. Ye mere ko screen sharing ek minute. Because I can see your slide here, मेरे को screen sharing में कोई idea, because there's a lot of time. Okay. अच्छा, can you see my screen now? Yes sir, visible. Okay, okay sir. So as the name suggests, gold refinery setup and its sustainable operation. When I say gold refinery setup, मतलब refinery में क्या-क्या चाहिए, what is basically needed to set up a refinery. काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि रिफाइनर में एक रिफाइनिंग का, जैसा अभी परसों ही बात हो रहा है किसी से ड्यूरिंग मिस्टर जेम्स वेबिनार ऑल्सो समबडी वाज टेलिंग दैट
इंडिया में काफ़ी सारी रिफाइनरी है, छोटे छोटे रिफाइनर है, अगर ये सब चीज़ स्टैंडर्ड लाएंगे तो उनका क्या होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब, रिफाइनरी जब साधनों से रिफाइनरी नहीं बनती है, साधनों लगाने के बाद उस पर सस्टेनेबल ऑपरेशन का, सस्टेनेबल ऑपरेशन का मतलब होता है कि उसको इथिकली कैसे चलावे, सो दैट देर नो यू नो डैमेज टू एनवायरमेंट। आपको कैसे इथिकली चलाना है, उसको सही ढंग से चलाना है, वेदर यू आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, तो दैट इज नोन एज सस्टेनेबल ऑपरेशन। एंड दैट अ काइंड ऑफ रिफाइनरी विच विल हैव अ लॉन्ग लाइफ बेसिकली। तो काफ़ी मार्केट में रहना है हमको, रिफाइनिंग का काम करना है, तो बेसिकली आई थिंक वी नीड टू हैव अ वेरी गुड रिफाइनरी विथ ऑल द लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल। कल उठ के ये भी होगा कि रिफाइनरी के साथ में आपको अपना एक लाइसेंसिंग जरूरत पड़ेगी सब जगह पे। तो जो रिफाइनरी एडप्ट नहीं करेगी चेंजेस को, तो रिफाइनरी को शायद भविष्य में सस्टेन करने के लिए या तो सर्वाइव करने के लिए भी तकलीफ आ सकती है। सो लेट मी या अ As I say now, I'm just going by now quickly to the how to set up refinery. The reason are basically look, what I'm going to discuss today is a fresh introduction to precious metals. Precious metal basically अलग अलग टाइप के, जब गोल्ड बोलते हैं तो गोल्ड बेसिकली कम्स अंडर प्रेशियस मेटल। और प्रेशियस मेटल में तीन मेन जो रिफ्लेक्ट जो माने जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। और प्लेटिनम के अंडर में भी बाकी प्रेशियस मेटल, बट वेन वी से प्रेशियस मेटल, वेन से प्लेटिनम, प्लेटिनम एक्चुअली इंक्लूड्स प्लेटिनम, उसके बाद में इरिडियम है, रुथेनियम है, तो बाकी सब जो मेटल्स है उसमें पैलेडियम है, दिस आर नोन एज प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स, वी कॉल इट पीजीएम, राइट। एंड देन आफ्टर दिस प्रेशियस मेटल के बाद में अपना गोल्ड रिफाइनरी का जो सेटअप है बेसिकली उसमें जैसे और प्रेशियस मेटल के बाद में, प्रेशियस मेटल मीन्स गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, मैंने जैसे आपको बताया। प्लेटिनम के अंडर में प्लेटिनम, इरिडियम, ऑस्मियम, पैलेडियम, रोडियम और रुथेनियम आते हैं, ए ग्रुप ऑफ सिक्स एलिमेंट्स, दीज आर नोन एज पीजीएम्स। नाउ गोल्ड के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, गोल्ड नॉर्मली अभी आजकल हो गया कि भी आप गोल्ड का जो भी बिजनेस करते हैं, सिल्वर का बिजनेस करते हैं, तो वेरी एवर यू मेक अ इनवॉइस और समथिंग, यू मस्ट स्पेसिफाई यूनिक आईडी नंबर गिवन टू ऑन गोल्ड ऑल्सो। सिल्वर के लिए भी है गोल्ड का यूनिक आईडी बेसिकली, बिकॉज वी आई एम कॉलिंग इन टर्म्स ऑफ सिक्स डिजिट हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग। तो कोडिंग के अंडर में रहता है भी एच एस कोड क्या होता है, तो गोल्ड के लिए 7108121 नंबर के चैप्टर में हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। इसके अंदर में हर एक प्रेशियस मेटल का अलग अलग कोड होता है, सो दैट एवरी मेटल पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मेटल है वो सब मेटल के लिए एक अलग आइडेंटिफिकेशन का कोड दिया रहता है, उसके हिसाब से इसको माना जाता है, उसके हिसाब से उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी होता है। गोल्ड रिफाइनरी का सेटअप जैसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स गोल्ड रिफाइनरी में क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले सोचते भी मेरे को गोल्ड, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं बोलते हैं सब हमको गोल्ड रिफाइनरी चलानी है, तो सबसे पहले मैं इनको पूछ रहा भी गोल्ड रिफाइनरी चलानी है तो यू हैव जस्ट एक गोल्ड रिफाइनरी बैकयार्ड में आपको लगा देनी है। आपको इंटरनली जैसे कल परसों जेम साहब बात कर रहे थे भी, काफ़ी लोग अपने शोरूम के पीछे में या अपने बिजनेस की प्रिमाइसिस में छोटी सी रिफाइनरी लगा लेते हैं, तो फिर इनका क्या होगा। तो मैंने बोला भी रिफाइनरी लगाने के लिए ऐसा नहीं है, जब रिफाइनरी का सेटअप लगाना है तो आपको पूरा सस्टेनेबल रिफाइनरी, जब हम बोल रहे हैं उसके लिए आपको प्रॉपर जगह, प्रॉपर इक्विपमेंट का सिलेक्शन, ये सब आप में आएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे रखा है कि एक गोल्ड रिफाइनरी का सेटअप में क्या क्या आएगा। द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर गोल्ड रिफाइनरी सेटअप, एक तो आपके पास लैंड होना चाहिए और लैंड नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरिया में आना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया गया था आगे में भी गोल्ड रिफाइनरी बेसिकली अंदर कम्स अंडर रेड जोन और समटाइम्स इन अ येलो कैटेगरी बेसिकली, बिकॉज अ रिफाइनरी वर्किंग विद सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ गोल्ड फॉर रिफाइनिंग। तो उसका रिफाइनिंग क्या करेंगे आप लोग, स्क्रैप रिफाइनिंग करेंगे, जो मार्केट में से रिसाइकल आता है, या तो आप डोरे मंगवाएंगे या इम्पोर्ट करेंगे, या कोई भी गोल्ड विच इज नॉट प्योर दैट रिक्वायर्स रिफाइनिंग टू अगेन मेक इट कन्वर्टेड इंटू नेक्स्ट स्टेप, आइदर ज्वेलरी गोल्ड में जाएगा या अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में जाएगा। तो इसके लिए आपको रिफाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो रिफाइनिंग के लिए बिकॉज यू आर यूजिंग हैंडलिंग एसिड्स एंड सर्टन हजार्डस नेचर ऑफ केमिकल एंड एवरीथिंग, यू हैव टू गो टू एन इंडस्ट्रियल एरिया एंड यू हैव टू हैव अ, आपका वो पहले एक तो देखना है कि भी आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी जगह अवेलेबल है, कहाँ पे जगह अवेलेबल है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट रिफाइनरी कैन कम अप राइट इन द सिटी
विद इन अ क्राउडेड एरिया, और या तो कोई कॉमर्शियल एरिया है जहाँ पे मतलब हाउसिंग है, वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी रहती है, ऑफिस है, शॉप्स है, वहाँ पे आप रिफाइनरी नहीं लगा सकते। दूसरा आपको सोचना है कि रिफाइनरी की कैपेसिटी कितनी मेरे को लगानी है, और रिफाइनरी आपके हो सकती है जैसे बोल रहा है कोई ज्वेलर्स, कोई बोल रहा है कि मेरे को कैप्टिव रिफाइनरी लगानी है, तो 1-2 किलोग्राम की रिफाइनर चलेगी, क्योंकि रोज आपका यू मे प्रॉब्ली हैव 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम ऑफ गोल्ड कमिंग टू इन टू योर शॉप और एस्टैब्लिशमेंट, नेसेसरी यू मे हैव अ स्मॉल रिफाइनरी सेटअप, बट अगेन आई सेड इट इज बेटर टू हैव सच काइंड ऑफ मटेरियल हैंडेड ओवर टू अ प्रोफेशनल रिफाइनरी रादर देन थिंकिंग ऑफ अ रिफाइनरी सेटअप इन योर ओन प्रीमाइसिस वेयर देयर इज आई थिंक प्रॉब्ली अ लैक ऑफ यू नो प्रॉपर प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर कंट्रोलिंग हैज़र्डस नेचर ऑफ गुड्स, फ्यूम्स है वहाँ पे होता है, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो सबके लिए आपको रिफाइनरी के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ तक आप लगाओ, जहाँ पे आपको बाद में एनवायरमेंट का लाइसेंस का भी जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जगह ये तो आपको पहले ये नक्की करना है। दूसरी और दूसरा मैंने जैसे लैंड इंडस्ट्रियल एरिया में अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है या नहीं है, दूसरा रिफाइनरी जब आप लगाए तो आपको सोचना है कि रिफाइनरी मेरे को मार्केट प्लेस के नज़दीक में लगानी है, बहुत दूर लगानी है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में लगानी है, क्योंकि रिफाइनरी जब ऐसी चीज़ है कि आप जब गोल्ड की मूवमेंट करते हैं प्रेशियस मेटल की, तो आप नहीं सोचेंगे भाई रिफाइनरी में यहाँ पे ऑफिस चला रहा हूँ, मेरे यहाँ पे मेरा धंधा यहीं पे ये जगह पे चलना है, वहाँ से मैं 50 किलो 100 किलोमीटर दूर रिफाइनरी चलाऊंगा तो मैनेज कैसे करूँगा, व्हेन आई एम गोइंग टू रन द रिफाइनरी फॉर डोमेस्टिक पर्पस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिफाइनरी सेटअप। मैंने दो टाइप के रिफाइनरी मैंने जब बताया, एक कुछ लोग रिफाइनरी आजकल जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, जो रिफाइनरी चलाने के लिए सब सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई हमको डोरे मंगवाना है, हमको यहाँ से एग्रीमेंट में हमको एक थोड़ा सस्ता मिलता है, यहाँ से हमको इंपोर्ट करने में हमको ड्यूटी डिफरेंशियल है, तो एवरीबडी सेंसिंग दैट द रिफाइनरी इज अ वेरी गुड बिजनेस नाउ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मार्जिन अवेलेबल, मगर ऐसी चीज़ नहीं है। वो रिफाइनरी आप कहीं पे भी लगाओ, उसके पहले सोर्सिंग अगर आप नहीं सोचेगा, सोर्सिंग नॉर्मली इसलिए रिफाइनरी का लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी क्लोज टू प्रॉब्ली आई मीन डिस्टेंस वाइज, सो दैट आपका एक तो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट के लिए, दूसरा आपको मूवमेंट में लॉजिस्टिक्स में आपको ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगे, क्योंकि गोल्ड ऐसी चीज नहीं है, आज कोई भी बोलो भी गोल्ड की डिलीवरी चाहिए तो मेरे को 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा या तो इमिडिएटली चाहिए, तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, यू कैन नॉट सेट अप अ रिफाइनरी वेर यू हैव टू ग्रीन ब्रिंग गोल्ड आफ्टर रिफाइनिंग टू 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर फार एंड डिलीवर टू द मार्केट, दैट काइंड ऑफ बिजनेस विल नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, अनलेस यू होल्ड योर ओन स्टॉक इन योर ऑफिस वैर ठीक है मेरा 50 किलो है, 50 किलो मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मैं उसमें से डिलीवरी दे दूंगा, दैट्स अ डिफरेंट रेशियो विच नॉर्मली इज नॉट गोइंग टू हैपन विद 80-90% ऑफ रिफाइनरीज। नाउ इसके बारे में कैपेसिटी के बारे में चाहिए, मैंने बोला कैपेसिटी के लिए अगेन आप कैपेसिटी में दो टाइप का आपको सोचना है कि भी मेरा इंटरनल जनरेशन है, कुछ ज्वेलर्स या बड़े फैमिली स्टोर रूम्स या सम रिटेल चेन्स में ऐसा है कि इनके पास खुद की एक्सचेंज में ज्वेलरी काफ़ी आती है, तो वो लोग सोच सकते हैं कि हम खुद का रिफाइनरी क्यों नहीं डालें, तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ रिफाइनरी वेयर दे हैव कि भी मेरा 20 किलो का रोज का इनपुट है तो मुझे 20 किलो की एक रिफाइनरी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भी मेरा जो रोज का 2-3 किलो का जो जिनके पास आते हैं उनके लिए मैंने जैसे पहले बताया कि इट्स बेटर टू गो एक्चुअली टू अ प्रोफेशनल रिफाइनरी, और कुछ रिफाइनरी ऐसी आई है जैसे इनिशियली अराउंड 2016-17 or 14 when this government actually basically before the GST rule came in 2017, there are a lot of refineries set up in Rudrapur. Now these all Rudrapur refineries, we know there's no market around in Rudrapur for a refined gold. ये सब रिफाइनरी जो आई थी बेसिकली वॉज एन इंटेंशन ऑफ सेटिंग अप रिफाइनरी बिकॉज ऑफ डोरे बेस्ड रिफाइनरी। डोरे थोड़ा सब लोग आप जानते ही है, डोरे बेसिकली इज अ माइन प्रोडक्ट एंड इट कम्स इंडिया में, कभी डोरे इंडिया में माइंस है ही नहीं एक्सेप्ट हटी गोल्ड माइन जहाँ पे 1.5-2 टन सोना साल का निकलता है, बाकी सब इंडिया का पूरा जो इम्पोर्ट है डोरे बेस है और रिफाइंड गोल्ड इम्पोर्ट है, अबाउट 700-800 वॉट ओवर इट इज, तो अबाउट 350-450 आई थिंक प्रॉब्ली ईयर बिफोर लास्ट ईयर इंडिया इम्पोर्टेड ऑलमोस्ट अबाउट 55% ऑफ गोल्ड इम्पोर्टेड इन इंडिया वॉज इन डोरे एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। तो ये सब चीज नक्की करके आपको रिफाइनरी कैपेसिटी डील ये करनी है, इसके साथ में देखना है कि भी आपको कैपेसिटी जब डोलेंगे तो उसके साथ में आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी साथ में खड़ी हो जाती है। अपने मैंने बताया रॉ मटेरियल का ग्रेड भी इंपॉर्टेंट है, आपने बोला है भी ग्रेड मेरा नॉर्मली 22 कैरेट, इंडिया में फॉर्चुनेटली वी ऑल यूज 22 कैरेट या 20 कैरेट, तो हो सकता है कि भाई रिफाइनरी में आपको नहीं, तो ऐसा होता है रिफाइनरी में यू हैव टू हैव प्राइमरी रिफाइनिंग,
then your secondary refining, then you go for the third stage of refining to get 4-9 gold. तो हम लोग सोचे भी इंडिया में रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इज 9950. 9950 करना है तो मेरे को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नहीं चाहिए, ना तो मेरे को एक्वारीजा चाहिए. बट अगेन द इंडियन स्टैंडर्ड विच इज ऑलरेडी नाउ कमिंग अप, इंडियन गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड डज नॉट अलाउ, आप बात सुन लीजिए, इट अलाउज ओनली टू टाइप्स ऑफ रिफाइनरी, वन हैज टू बी एक्वारीजा बेस्ड, द सेकंड वन हैज टू बी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग फैसिलिटी. तो आपको जो एसिड पार्टी या जो एसिड वाली जो परसों बात हो रही थी कि भाई छोटे छोटे लोग काफी लोग ज्वेलरी गढ़ते हैं या तो छोटी रिफाइनरी या छोटे सोन वाले खुद अपना रिफाइनिंग तेजाब प्रोसेस से कर लेते. दिस इज गोइंग टू बी बैंड, इज नो मोर गोइंग टू बी यूज इन इंडिया. सो यू हैव टू गो फॉर अ रिफाइनिंग प्रोसेस विच इज बेसिकली यू मे हैव, या आपको रिफाइनिंग करनी है तो आपको प्रोसेस भी चलेगी एसिड पार्टी. इफ योर कंटेंट ऑफ गोल्ड इज वेरी लो यू हैव टू गो फॉर एसिड बेस्ड रिफाइनिंग. मगर ये सब चीज फैसिलिटी करने के लिए आपको इसमें ही जाना पड़ेगा जहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस जरूरत है, और जहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिले वही जगह पे आपको सेटअप करनी पड़े. रॉ मटेरियल का ग्रेड मैंने बताया, हाई ग्रेड लो ग्रेड. हाई ग्रेड रिफाइनिंग थोड़ी ईजी रहती है, लो ग्रेड ओर में आपको सक्सेसिव 2 or 3 स्टेजेस ऑफ रिफाइनिंग की जरूरत पड़ती है. अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सिंग ऑफ फीड स्टॉक सच एज मैंने बताया कि भी आपको लोकल गोल्ड अवेलेबल है या तो आपको फिर बाहर से ला के लेना है, तो उसके बेसिस पे आपको ये सब चीज़ में आपको जगह की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ के आपके इतने पैसे लगेंगे, ये सब के लिए आपके पास सोर्सिंग किया है, दैट्स इट बिकम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू सेटअप रिफाइनरी, फाइनेंस बोथ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. मैं ये चीज पॉइंट नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने रिफाइनरी तो लगा दी है, मैंने 3-4 करोड़ रुपये के लिए मेरे पास रिफाइनरी भी आ गई. अभी मेरे को सोचना है मेरे को 10-15 किलो रोज गोल्ड करना है. मैं दो तरीके से सोच रहा हूँ, जिसका मेरा 15 किलो का रोज का मेरे पास रो गोल्ड का इनकम है, जैसे काफ़ी जॉब वर्क रिफाइनरी जो रोज का मार्केट में से 5-10 किलो गोल्ड लेके काम करती है, इनको प्रॉब्लम नहीं है. 10 किलो की रिफाइनरी लगा दी, हर रोज 10 किलो गोल्ड आता है, काम करके उनको वापस दे दिया. मगर आपने रिफाइनरी लगाई है कि मैंने 25 किलो 50 किलो की रिफाइनरी लगाई, मार्केट में इतना तो आपके पास इनपुट है ही नहीं, और आपने सोचा मैं डोरे ला के लगाऊंगा. तो अगर आपको हर रोज रिफाइनरी चलानी तो सोचिए कि भाई बाहर से जब सोना आता है वो पूरा प्रोसेस होकर मार्केट में जाने में कम से कम 6 से 7 दिन का टाइम लगता है. अब ये 6 से 7 दिन का टाइम के लिए अगर आज मैंने 50 किलो किया, बाद में अगले वीक के लिए 50 किलो के लिए मैं बैठा रहूँगा तो बनेगा नहीं. 2-3 अगर लॉट मेरे को कर दे तो यू कैन इमेजिन 7 डेज टर्न अराउंड टाइम ऑन अ रिफाइन. अगर डोमेस्टिक भी आता है तो आपको कम से कम 12 से 24 घंटा तो लग ही जाता है. बट वेन यू इम्पोर्ट डोरे, बेसिकली आप सब इम्पोर्ट करके जब लाते हैं कोई भी चीज़ और इंडिया में रिफाइन करने के लिए, इट टेक्स मिनिमम 6 to 7 डेज टर्न अराउंड टाइम. अभी ये टर्न अराउंड टाइम चाहिए, मतलब आपको महीने में वीक में तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार आपको रिफाइनरी चलानी है, बिकॉज द साइकिल टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट 12 आवर्स टू गेट इनपुट टू आउटपुट. मिनिमम साइकिल टाइम इज अबाउट 12 आवर्स वैन यू गेट अ रिफाइन गोल्ड फ्रॉम द रॉ गोल्ड. तो इसके लिए आपको हर रोज चलानी है, तो यू कैन इमेजिन मेरे को 10 किलो चलाना है, मेरे को 50 किलो की वर्किंग कैपिटल मेरे को जरूरत पड़ी. सो व्हाट आई मीन टू से, एक रिफाइनरी सेटअप आपने 4-4.5 करोड़ रुपये में लगा दी, उसका प्रॉब्लम नहीं है. मगर आपको कम से कम दूसरा 30 करोड़ रुपया आपको खाली वर्किंग कैपिटल में लगेगा, तो पहले रिफाइनरी लगाने के लिए पहले आप ये सोच लीजिए कि जो कैपेसिटी लगाते वो कैपेसिटी का आपको इनपुट नहीं है, क्योंकि आप कैपेसिटी लगाने के बाद उसको यूटिलाइज नहीं करके आपको नुकसान ही होना है, वो रिफाइनरी सस्टेन भी नहीं करेगी, चलेगी भी नहीं लंबे अरसे तक. तो वर्किंग कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट डोंट थिंक ऑफ सेटिंग अप अ रिफाइनरी, सी दैट यू हैव इनफ वर्किंग कैपिटल टू रन दैट रिफाइनरी एवरी डे, बरोबर है. दूसरा एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, ये थोड़ी रिक्वायरमेंट ऐसे भी, जब भी आप रिफाइनरी सेटअप करोगे जब तक रिफाइनरी चालू नहीं होगी जब तक आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस नहीं होगा. और जब आप सोच रहे हैं कि मेरे को डोरे के लिए लाइसेंस चाहिए, व्हेन यू हैव टू गो टू DGFT, बिकॉज डोरे इम्पोर्ट इज रेस्ट्रिक्टेड. DGFT का लाइसेंस के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी हो और you have to have environment license. So these two licenses take minimum 6 to 7 months time before you can start a refinery if you are going to do only dore business. Or 1 saal ke baad dusra jo aapko mandatory requirement ho jayega for a dore setup or refinery which is basically dependent only on dore, that first license from DGFT is given only for 1 ton based on the infrastructure, and they come and inspect, and if you are okay they will issue a license to you. But the second, before you apply for the next renewal of license, you must have a BIS license. So, मतलब ये 3 चीज़ basic requirement आ गई.
आप मान के चलिए कि भी आपको बीएस गुड डिलीवरी बनानी है तो आपको 1 साल के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। मोमेंट यू हैव अ रिफाइनरी यू कैन गो फॉर बीएस लाइसेंस ऑल्सो। मगर डोरे के लिए जरूरत है कि एक टाइम आपको लाइसेंस मिला तो दूसरा लाइसेंस आपको 2 महीने के बाद भी, समझिए 1 टन का मेरे को लाइसेंस मिला, 3 महीने में मैंने 1 टन ला के रख दिया, नेक्स्ट लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा जब तक आपके पास बीएस की अप्रूवल नहीं है। यू हैव टू गेट एक रिकॉग्निशन लाइसेंस फ्रॉम बीएस ऑल्सो। तो दीज आर सर्टन आई थिंक प्रॉब्ली सम द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वी मस्ट कीप इट इन माइंड टू सी दैट बिफोर सेटिंग अप रिफाइनरी ऑल दिस रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्चुअल नाउ रिफाइनरी सेटअप, हाउ बेसिकली अ रिफाइनरी सेटअप विल हैव डिफरेंट सेक्शंस। इमीडिएटली लाइक अ गोल्ड कम्स इनसाइड यू हैव अ रिसीविंग सेक्शन, ऑल दिस सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट हैव अ स्मॉल प्लेस लाइक से 100 स्क्वायर मीटर और समथिंग, यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया, यहाँ पे मैंने उसको मेल्टिंग में डाल लिया। हर एक सेक्शन के बीच में इफ़ यू वॉन्ट टू रियली कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ योर प्रॉब्लम योर प्रोडक्शन लॉसेज सब कम टू, क्योंकि रिफाइनरी बेसिकली अल्टीमेटली ऐसे देखो तो रिफाइनरी विंस इन अ सिचुएशन वेर यू कैन कंट्रोल योर क्वालिटी एंड द लॉसेज विच हैपन इन द रिफाइनरी विच आर गोइंग टू बी इनएविटेबल। यू कैन नॉट रन अ रिफाइनरी विथ 100% आउटपुट। अगर कोई बोलता है कि मेरी रिफाइनरी या मेरे प्लांट में से 100% रिकवरी आती है तो मैं चैलेंज करता हूँ, कभी नहीं आएगा। इसका रीजन दो है, नॉट बिकॉज द इनिफिशियंसी ऑफ द प्लांट समबडी सेज आई गेट 100% आउटपुट, ओनली बिकॉज आई से बिकॉज द गोल्ड विच आर गोइंग टू डिलीवर इन द मार्केट। लाइक अभी 2 दिन पहले ही बहुत अच्छा हुआ है, एक सेमिनार जो अपना जो जेम साहब ने अपने IBGA ने जो ऑर्गेनाइज किया था फॉर गुड डिलीवरी, द नेगेटिव टॉलरेंस इन वेट एंड प्योरिटी आर नॉट अलाउड। दैट मीन्स फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ गोल्ड यू आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 1 किलोग्राम, एवरी बार विल हैव 3 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम सरप्लस ऑन दैट। सो वेन यू से यू आर रियली गेटिंग 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, यू आर डिलीवरिंग टू द मार्केट नॉट एग्जैक्टली 1 किलोग्राम, यू आर डिलीवरिंग प्रॉब्ली 1 किलोग्राम सम 20-30 मिलीग्राम्स मोर। Provided the type of like your 100 gram bar or kilogram bar, you can control the weight. But when are going to make small bars like 10 grams or 15 or 20 grams and 50 grams, every bar will have 3 or 4 or 5 milligram positive tolerance on the weight. And that will end up like you say, if I'm making 110 pieces, 100 pieces of 10 gram in a 1 kilogram total gold weight, fine gold delivery, obviously I'll have about 30 to 40 milligrams gold out extra, because people are going to pay you for the gold 9990 and not for the additional weight or additional purity which you have to maintain to fulfill the criteria of good delivery, which is no negative tolerance. So that means your purity also has to be 992. So these are the things I think probably which you have to keep it in mind. Apart from the efficiency of the refining plant which you are going to set up, your quality parameters also are set in such a way so that ultimately, even if you run a good refinery, your maximum recovery you can aim. I think it's probably most ideal refinery will have a recovery of 99.95%. If you can maintain that, yes, the refinery will really survive as far as the economics of running a refinery is concerned. Then you say gold assay laboratory. मेल्टिंग सेक्शन, यू नो रिसीविंग सेक्शन में क्या क्या चाहिए, जो वेट आता है उसके लिए, वेट के लिए आपको कैलिब्रेटेड बैलेंस सब चाहिए। सो वेन यू गो फॉर NABL एक्रेडिटेशन, ऑल दिस थिंग्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वॉट एवर मेजरिंग इक्विपमेंट्स आर देयर इन योर रिफाइनरी, एवरी एवरी इक्विपमेंट, इवन अ स्मॉल थर्मोमीटर विच वी यूज इट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एसिड विच वी पुट इट इन पार्टिंग, गोल्ड का पार्टिंग करते हैं हम गोल्ड का टेस्टिंग करने के लिए, उसका टेम्परेचर भी हमको 80 डिग्री रखना है तो हमको एक छोटा सा थर्मोमीटर चाहिए। ए थर्मोमीटर ऑल्सो नीड्स कैलिब्रेशन, आई से ऑल मेजरिंग इक्विपमेंट। सो व्हेन आई से आई थिंक जस्ट सेटिंग अप अ रिफाइनरी, आपने इक्विपमेंट ले लिया, इक्विपमेंट लगा दिया, उससे ना तो आपको क्वालिटी मिलेगी, ना तो आपको रिकवरी मिलेगी, ना तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन मार्जिन मिलेगा। सो बेसिकली द रिफाइनरी सेटअप के लिए थोड़ा कुछ टेक्निकल आई थिंक प्रॉब्ली आइदर यू the people who promote refinery, the owners, if they are many, now I think probably a lot of people have a lot of knowledge about it, but ultimately the final knowledge of metallurgy which is required for the refining or some part of chemical technology, I advise, I think everybody you should have a professional staff available to run the refinery. Kuch log karte nahi nahi hum log karenge bahar mein kisi ko de denge wo karke de dega, to matlab basically that's not a good situation where you do not have a control over the weight, probably you can verify,
बट द क्वालिटी विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि हर एक चीज आप प्रोड्यूस करके आपको टेस्टिंग करके ही मार्केट में जाएगी. तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंट्रोलिंग क्वालिटी ड्यूरिंग योर प्रोसेस ऑल्सो, बट आई थिंक दैट विल कम लेटर ऑन एट सम अदर टाइम. प्रॉब्ली समबडी वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट इट, दे कैन ऑलवेज कॉल मी एट एनी टाइम एंड देन आई विल जस्ट ब्रीफ देम इंडिविजुअली. ओके, सो रिफाइनिंग सेक्शन के बाद गोल्ड ऐसे लेबोरेटरी हम लोग बोलते हैं. एक्चुअली जो मेल्टिंग सेक्शन है, काफी लोग फॉरेन में उसको किचन बोलते हैं, रिफाइनरी का किचन या तो अपना जो रसोई घर क्या है तो मेल्टिंग सेक्शन है, जहाँ पे पूरा मेल्ट होता है, ठंडा होता है, पानी होता है, सब होता है. सो मेल्टिंग सेक्शन इज लाइक अ किचन ऑफ अ रिफाइनरी. गोल्ड ऐसे लेबोरेटरी बेसिकली इज वॉट आई से नॉर्मली वेर एवर आई गो, आपका हृदय है वो गोल्ड ऐसे लेबोरेटरी में. कि कोई भी रिफाइनरी ऐसे लेबोरेटरी के बिना कोई बोले, कि काफी लोग यहाँ पे मार्केट में सोना मिलता है, जहाँ पे ज्वेलर्स बोलते हैं अपने कार्ड के अंदर में सोना डाल के दे देते हैं और उसके ऊपर में सर्टिफाई करके 100 ग्राम गोल्ड है, 9990 का है. दैट इज वेर द चैलेंज लाइज. हु हैज टेस्टेड दिस गोल्ड? एनीबडी हु सर्टिफाइंग दैट गोल्ड मस्ट हैव अ केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी. अगर आपके पास केमिकल या तो गोल्ड ऐसे लेबोरेटरी नहीं है, तो वो मार्क आपने जो मार्केट में दिया है, अपना अपना प्रोडक्ट का ब्रांड बनाते हो आप, उसके ऊपर में कार्ड लगाते हो, आप अपना नाम लगाते हो, बहुत ब्यूटीफुल पैकिंग करते हो, बट अल्टीमेटली इज नॉट अ वैलिड प्रोडक्ट. ये जस्ट मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देयर इज सो मेनी थिंग्स आर बीइंग सर्कुलेटिंग इन द मार्केट एंड दे इश्यू अ सर्टिफिकेट, बट व्हेन हु इज इश्यूइंग द सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओनली द गोल्ड एस ए लेबोरेटरी, द रिफाइनरी विच हैज अ गोल्ड एस ए लेबोरेटरी एंड द टेस्टिंग इज बीन डन एज पर IS 1418, दिए ओनली 1418. Or when there's a higher purity, you have different standards available, like for 9995 or 99990, 1418. Beyond that, you have ICP, OES. There are other more modern equipments which can give you analysis even up to 49 also. And you can go even up to 59, but it's very expensive method. At the moment, what I'm talking about, the refinery, which can produce up to 9990. So 9990 is 99.9% purity gold, and that assay laboratory basically is a fire assay laboratory. And you have in India, I think probably so many hallmarking centers are there. But for a refinery, assay laboratory is very important, because what you are going to taste in your laboratory is very important for you. If you are giving wrong result, it may ultimately either be a loss to your customer, or it could be a loss to your production itself. You may be losing gold if you are always, your laboratory is not functioning properly, you are not using the proper reference items inside, your result may be high, and then based on your result, you are delivering your gold to your customer who has delivered gold to you. So you are losing gold in the process, and at the end of the month or end of the year, you say, oh, my refinery, my gold kilogram gold kam ho gaya. So this could be the reason. When you are doing a large scale refining, I think SL laboratory is very important. And we say it's a hard hriday hai refinery ka. इसको बहुत संभाल के, इसको बहुत समझ के करिएगा, बिकॉज दिस इज वेयर बेसिकली एनी रिफाइनरी विल हैव प्रॉब्ली समबडी कम्स टुमारो, समबडी सेज हाउ डू यू टेस्ट गोल्ड. सो गोल्ड एस ए लेबोरेटरी शुड बी वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन योर रिफाइनरी. ओके, एंड देन वेस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन. आई सेड सी एवरी रिफाइनरी, लाइक ऐसे बैकयार्ड रिफाइनरी, वेनेकल बैकयार्ड रिफाइनरी, किसने बोला दुकान में एक छोटी रिफाइनरी घर में छत पे लगा दी, ये रिफाइनरी आर नॉट कॉल्ड रिफाइनरी, दे आर बेसिकली वॉट कॉल अ बैक यार्ड रिफाइनरी, जिसमें वहाँ पे अपने धुआं रात को निकाल दिया, रात को सब लोग घर में सोते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, दुकानें बंद है किसी को, तो रात को तो ये टाइप के रिफाइनरी. यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन में रिफाइनरी जब चलाते हो, और अभी आपने मैंने बताया कि भी आप जो एक्वारीजर्स जो प्रोसेस है मेनली नाउ बींग यूज फॉर 9990 प्रोडक्शन, एक्वारीजा में जो गैसेज निकलते हैं दे आर मोस्ट हजार्डस गैसेज. और इसलिए बता रहा हूँ कि एक्वारीजे का फर्स्ट प्लांट 1995 में एक्चुअली I developed one plant. I knew that time there were not so much of safety equipment available. शायद थोड़ा नॉलेज भी कम था, मगर धीरे धीरे सीखते गए तो पता चला कि इसमें जो गैसेज, क्योंकि मैं खुद इसका विक्टिम रह चुका हूँ, मेरे को पता है. तो ये जब दो एसिड मिक्स होते हैं एक्वारीजा रिफाइनिंग में, हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक ऐसा होता है, अगर वो धुआं कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी बाहर आ गया तो आप उसके अगल बगल में खड़े नहीं रह सकते, एंड दैट सेट अप गोज इन टू योर नॉस्ट्रिल एंड इन टू योर लंग्स. सो वेस्ट ट्रीटमेंट का सेक्शन, इसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट मतलब रिफाइनरी में काफी टाइम के गैस इज वन टाइप ऑफ वेस्ट, देयर आर अदर वेस्ट ऑल्सो. आपने क्रूसिबल यूज करते हैं रिफाइनरी में, आप प्रोडक्शन करते हैं, यहीं पर कचरा पड़ा रहेगा या वेस्ट पड़ा रहेगा, आप गोल्ड का पॉलिशिंग करते हैं या तो गोल्ड का वेट इकट्ठा करने के लिए आप ग्राइंडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं.
So all these waste treatment section has to be there. Plus, the biggest waste which is generated is spent water. Spent solution मतलब आपने नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके रिफाइन तो कर लिया, मगर वो रिफाइन होने के बाद जो सॉल्यूशन बचता है जिसमें से आपने गोल्ड फिल्टर करके निकाले, बाद में जो सॉल्यूशन है बेसिक इज नथिंग बट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आप क्या करेंगे? तो बिकॉज दैट इज वाई पॉल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस के बाद वो आपको पूछेंगे भी ये एसिड को आप क्या कर देते हो, आपको न्यूट्रलाइज करना है। तो मेरे ख्याल से रिफाइनरी में ऐसे देखो तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सेक्शन ऑफ द रिफाइनरी। आपको शायद थोड़ा ये होगा कि भाई कैसे बात करें, बट इट्स अ फैक्ट। इन रियलिटी वेस्ट ट्रीटमेंट पार्ट में आपको जितना पैसा लगेगा उसमें से कोई भी चीज मैंने यहाँ पे बताया उतना पैसा नहीं लगता है। इंडिविजुअल सेक्शन में जाओ, वेस्ट ट्रीटमेंट पार्ट इज सपोज बी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सेक्शन ऑफ द रिफाइनरी, जस्ट कीप इट इन माइंड। आगे चल के आपको पता चलेगा कि बड़ी रिफाइनरी में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को अलग से डिपार्टमेंट किया जाता है और उसको कंट्रोल करना है। इसमें कोई भी चीज़ आपको वेस्ट बाहर नहीं निकालनी है, और वैसे भी गोल्ड रिफाइनरी या सिल्वर या प्रेशियस मेटल रिफाइनरी में यू कैन नॉट अफोर्ड टू थ्रो आउट एनी थिंग विदाउट रिकवरिंग योर ट्रेस एलिमेंट और गोल्ड, जो भी आपको सब इंकर करके निकालना है। और बाद में जो रहेगा एसिड आप उसको ड्रेनेज में या कहीं पे इधर उधर नहीं डाल सकते, या तो आप खुद का सम्प बनाओ, मगर अल्टीमेटली बिफोर थ्रोइंग इट प्रॉपरली है आगे में वेस्ट ट्रीटमेंट में भी अल्टीमेटली देयर आर सो गुड इक्विपमेंट्स कि वेस्ट ट्रीटमेंट ये पूरा जो एसिडिक का सॉल्यूशन है जो भी है आप इसमें से पानी निकाल के आप अपने गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वाई आई थिंक प्रॉब्ली वेस्ट ट्रीटमेंट ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू सी दैट नथिंग गोज आउट ऑफ योर फैक्ट्री। देन बार मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने रिफाइन कर लिया सोना आपको पाउडर फॉर्म में आएगा, बार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको मिंटिंग सेक्शन चाहिए। बार मैन्युफैक्चरिंग आजकल दो तरीके से होती है, आपको 100 ग्राम और 1 किलो के बार बना, 50 ग्राम के भी अभी तो कास्टिंग के बार बनते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, और आपको चाहे तो किसी को बोला तो भी आपको पेटी बनानी है या तो आपको एक समझो बार बना है बड़ा वाला, तो एज पर इंडियन गुड डिलीवरी वाल द मैक्सिमम बार साइज इज 400 ounces, ऑलमोस्ट अबाउट 12 kilograms। ठीक है, तो कास्टिंग की मशीनरी आप जो मार्केट में अभी जो 100 ग्राम के जो बार देख रहे हैं, पहले जब मिंटिंग नहीं था तो समझो कि सब इम्पोर्टेड बार जब 1996 में गोल्ड का मतलब ये अपना जो नॉमिनेटेड एजेंसी के थ्रू जो गोल्ड चालू हुआ तभी तक इंडिया में जो भी बार बनते थे वो मिंटिंग से बनते थे। 100 ग्राम के बार आते थे, सब मिंटिंग करके बनाते थे। मिंटिंग मतलब बेसिकली यू हैव रोलिंग एंड यू मेक अ स्ट्रिप, यू रोल इन टू अ सर्टन थिंग, देन यू डू ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग करके आप स्टैंपिंग करते हो, तो दैट नो प्रोसेस इज नोन एज मिंटिंग। और बार मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्चुअली बेसिकली कास्टिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर में आपको गोल्ड रिफाइन करके जो पाउडर आएगा उसको वापस ग्रैन्यूल करेंगे या स्ट्रिप बनाएंगे, और आपके ग्रेफाइट के मोल्ड के अंदर में आपको प्रिसाइज वेट का ग्रैन्यूल्स डालना है या तो बार के पीसेस डालने हैं, और उसको बाद में इंडक्शन फर्नेस में जाके आपको ये बार फिनिश होकर आता है। जो अभी आजकल में 100 ग्राम का जो बार मार्केट में मिलता है दैट इज बोथ बेसिकली ऑल कास्ट बार अवेलेबल। सो बार मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी चाहिए, देन यू हैव टू हैव अ डिफरेंस। वंस आपने ये जो कर लिया तो बाद में सीधा मार्केट में नहीं जाते, आपको इंस्पेक्शन करना है, आपका क्वालिटी देखनी है, वेट देखना है, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट एटलीस्ट यू हैव एन इक्विपमेंट वेर यू कैन सी इमीडिएटली। रैंडम मैंने 100 पीस बनाया 10 किलो का प्रोडक्शन करके, समझो मैंने एक ही बैच में रिफाइन किया, एक ही बैच में रिफाइन किया है, प्रॉपरली होमोजीनियस मेल्टिंग किया है, तो हर एक बार की क्वालिटी सेम रहेगी, मगर उसमें से एक पीस निकाल के इमीडिएटली मेरे को टेस्टिंग करना है। सो यू शुड हैव फायर एसेट डिपार्टमेंट रेडी, you said have otherwise an XRF of very good material also available with you, which you can immediately see that okay mere ko kam se kam meri bar ki quality 999+ ke upar aati hai, then only you can think of delivering that bar to the market. So aapka inspection department is mandatory, which is a quality control department for your refinery. Iske baad mein refinery hai, aaj gold ke silver jo bolo itne daam itne sab badh gaye, you must have a security and surveillance. सिक्योरिटी इन अ सेंस भी कोई आया गया बाहर का भी, काफ़ी रिफाइनरी में आजकल तो सिस्टम हो गई, एक बार रिफाइनरी में सुबह आने के बाद जब तक वो बाहर जाता है वो रिफाइनरी के अंदर में उनका खाना पीना सब बंदोबस्त वहीं पे अंदर हो जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू लीव द रिफाइनरी टिल द जॉब इज कम्प्लीटेड। तो आपको सिक्योरिटी मतलब आपका अंदर जो आता है गया है उनका सब आपका फ्रिस्किंग होगा, आपको उसको जेब करना है, उसके टिफिन बर्तन ले जाता है सब जाकर देखना पड़ता है, सब देखना। एंड सर्वेलेंस इज बेसिकली दैट एंटायर रिफाइनरी विल बी कवर्ड विद सर्वेलेंस कैमराज। आप नहीं भी है रिफाइनरी में तो आपको सिक्योरिटी के कैबिन में बैठे बैठे पता चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट क्या चल रहा है। सो योर स्ट्रेटेजिक लोकेशन योर सिक्योरिटी कैमराज,
उसके बाद में स्टाफ रूम चाहिए, ऑफिस चाहिए, चेंज रूम चाहिए, कैंटीन चाहिए, सब दीज आर बेसिकली सम द रिक्वायरमेंट विच आर रिक्वायर्ड इन द रिफाइनरी। सो यू कैन इमेजिन कि रिफाइनरी खाली सोच रहे हैं कि रिफाइनरी डालनी है, बिफोर थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप अ रिफाइनरी, जैसे पहली स्लाइड मैंने बताई आगे, आई थॉट आई एम गोइंग एट अ लेंथ एक्चुअली बिकॉज आई शुड नॉट हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम, मगर देखता आई एम ट्राई टू कंप्लीट एज फास्ट एज पॉसिबल नाउ। सो आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ क्वेश्चन आंसर में आपको पूछना है तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। कहने का मतलब है कि रिफाइनरी सेटिंग अप अ रिफाइनरी इज नॉट गोइंग टू बी सो ईजी, काफ़ी चीज इसमें काफ़ी पैरामीटर है विच यू हैव टू कंसिडर। एट द सेम टाइम अपने मैंने बोला है कि वर्किंग कैपिटल और सब पैसा बहुत लगता है इसमें रिफाइनरी लगाने में के लिए, तो इसके लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी भी आपको देख लेना है। तो हो गया सस्टेनेबल ऑपरेशंस। मैंने जैसे बताया कि भी बेसिकली इट मीन्स दैट एन एक्टिविटी दैट इज मेड इन अ वे दैट कॉज लिटल और नो डैमेज टू द एनवायरमेंट दैट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 3M, मनी मटेरियल एंड मैन पावर, एंड देयर फॉर कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये तीन चीज साथ में आ गई, आपके पास पैसा चाहिए, आपके पास मटेरियल मतलब आपके पास सोर्स चाहिए, कहाँ से पैसे का सोर्स तो बराबर है, मटेरियल का भी सोर्स चाहिए। रिफाइनरी तो मैंने लगा दिए, मैंने कुछ रिफाइनरी देखी विच आर अवे फ्रॉम द सिटी, बट आई एम अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ दिस एंटायर सिस्टम बिकॉज आई एडवाइस ऑन द रिफाइनरीज फॉर सेटिंग अप। तो मैं कभी पूछता हूँ कि आपने यहाँ पे इतने 50 किलोमीटर दूर लगा दी रिफाइनरी, आपका मतलब व्हाट इज द एम ऑफ सेटिंग अप रिफाइनरी? नहीं, ये तो बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ पे रिसाइकिलिंग का बहुत काम है। बिलीव मी नो रिसाइकिलिंग हैपन्स एक्चुअली इन द रिफाइनरी विच इज फार अवे फ्रॉम द सिटी बिकॉज पीपल हु आर आवर क्लाइंट्स दे डू नॉट नॉर्मली लाइक टू ट्रैवल विद देयर ओन गोल्ड, दे डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क। और ये ऐसी चीज नहीं है इतनी बड़ी रिफाइनरी सब जगह पे सारी रिफाइनरी रह गए, इज नॉट बेसिकली द रिफाइनरी इज नॉट इधर, यहाँ पे मिंटिंग नहीं होता है मनी का। आप चाहे इतना कॉस्टली एक्सपेंसिव गोल्ड हैंडल करते बट द मार्जिन आर वेरी थिन। तो आपको जो करना है ये वॉल्यूम बेस्ड है, क्वालिटी बेस्ड है, आपकी मैन पावर मतलब आपको ये 3M की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हर जगह पे, एंड एनवायरमेंट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनवायरमेंट के बिना मुझे पता है आदमी लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग एक्चुअली केयर नहीं करते। देर आर सर्टन रिफाइनरीज विच यू साइनाइड ऑल्सो इन द रिफाइनरी एंड देर इज समथिंग विच इज एक्चुअली कभी लगता है कि भाई साइनाइड फैक्ट्री के अंदर में जो एनवायरमेंट में साइनाइड का यूज होता है वो एनवायरमेंट में दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दीज आर द सर्टन चैलेंजेस विद रनिंग अ रिफाइनरी। आई थिंक सौरभ जी सो फार एज माई प्रेजेंटेशन इज गोज फॉर सेटिंग अप अ रिफाइनरी। तो मेरा काम यहाँ पे मेरा एक्चुअली बेसिकली जो के नाउ आई एम ऑलरेडी डन विथ। तो क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते, किसी का हाँ कोई जी सवाल, प्लीज किसी प्लीज का कोई प्लीज क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं एड्रेस करके। ठीक था, माय माय स्पेस वाज ओके, नो आई डोंट प्रॉब्ली बिकॉज द सब्जेक्ट इज सो लार्ज आई कैन टेक एटलीस्ट द होल डे। एक थोड़ा क्लास चलाना है तो पूरा दिन नहीं, सही है। का क्लास हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आई थॉट प्रॉब्ली आई शुड हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर। आई थिंक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर द फाइनल सेटअप। ओके सर। किसी का कोई सवाल है? हाँ राजेश जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो। सर बोलिए। हाँ, अभी मतलब पहले जो एसेट का प्रोसेस रिफाइन करते थे तो अभी बैंक कर रहे हैं वो जानने का था। फिर से जरा फिर से बताइए तो एक बार। और पहले अभी अभी अपना जो एसेट से रिफाइन गोल का करते हैं तो अभी आपने बताया एक्वायरी और इलेक्ट्रिसिटी से आप रिफाइन का प्रोसेस आने वाला है तो इसलिए आया कि एसेट का बैंक क्यों कर रहे हैं वो नहीं जानने का था। ऐसा एसिड बान नहीं होगा, यू हैव टू हैव सर्टेन इक्विपमेंट, मगर जो तरीके से हम लोग एसिड से रिफाइनिंग की, आज बैकयार्ड रिफाइनिंग जो बोलते हैं काफी लोग पार्टिंग करके कर लेते, सी रिफाइनरी एसिड पार्टिंग में एक लॉ ड्रॉबैक है कि काफी टाइम से हम सोच रहे हैं दिस प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग समवेयर इन 2002 2003 वेयर गोल्ड एक्चुअली बेसिकली प्राइस बढ़ना चालू होगा, इसमें इम्प्योरिटी सब मिक्सअप होना चालू हो गए, जैसे इरिडियम मेटल थी। तो यस ये जो मेटल है जो पीजीएम मेटल है बेसिकली फंडामेंटली, दिस पीजीएम मेटल एसिड रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है उसमें बाहर नहीं जाती है, जिसको हम लोग तेजाब बोलते हैं, मतलब आप जो काफी जगह यस पे फाइन तेजाब पद्धति बोलते हैं या तो तेजाब बोलते हैं, इसमें गोल्ड के यस साथ में डबल सिल्वर डाल के
उसको इनक्वार्टेशन परदेश से इसमें से गोल्ड निकाल लेते हैं। दैट गोल्ड नाइदर हैज द प्योरिटी ऑफ 999 एंड दैट गोल्ड विल कंटेन जो पीजीएम मेटल्स है ये एसिड रिफाइनिंग प्रोसेस में निकलती नहीं है। तो इसके लिए आपको देर आर ओनली टू प्रोसेस अवेलेबल। वन इज योर एक्वारिया प्रोसेस। एक्वारिया प्रोसेस में गोल्ड के अलावा ऐसे देखो तो कोई चीज डिजोल्व नहीं होते, बाकी सब ऐसे रह जाती है। राइट तो मतलब ये जो यस प्लीज कंटिन्यू। या तो एक्वारिया प्रोसेस में ये जो पीजीएम की इम्प्योरिटी जो नाइट्रिक एसिड में जो रहते हैं एसिड पार्टिंग प्रोसेस में रह जाए इसमें से निकल जाती है। एंड द गुड डिलीवरी गोल्ड और 999 गोल्ड और 9950 गोल्ड इस सब जगह पे ऐसे कोई भी रिफाइंड गोल्ड में बेसिक रिक्वायरमेंट है। इट शुड नॉट हैव इम्प्योरिटीज अनडिजोल्व इम्प्योरिटीज। जैसे ये पीजीएम जो इम्प्योरिटीज है इरिडियम है रुथेनियम है ये एक्चुअली क्या होते हैं गोल्ड में डिजोल्व भी नहीं होती है, मगर वो गोल्ड में जब एसिड पार्टिंग से जब आप गोल्ड बनाते हैं तो गोल्ड को आपको अलग करने की इम्प्योरिटी अलग करने का कोई तरीका नहीं है। तो जब आप गोल्ड वो एसिड पार्टिंग का गोल्ड जब बिंटिंग करके या तो मार्केट में डिलीवरी बनाते हैं या तो आपको रिफाइनिंग के लिए ज्वेलर को देते हैं देन दिस ज्वेलरी व्हेन मैन्युफैक्चर्ड अगेन कंटेन्स दिस इम्प्योरिटीज विच आर नॉट अलाउड इवन फॉर हॉलमार्किंग पर्पज। आप समझ गए क्या बेसिकली? और यस इसका सर। कुछ कॉमर्शियल वैल्यू भी नहीं है। इनफैक्ट आई एम सेलिंग गोल्ड विद अ पीजीएम विच मे बी मच चीपर देन द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो आप पीजीएम के साथ गोल्ड बेचते हैं तभी आप पैसा हो रहा है भी, आप गोल्ड के साथ गोल्ड की वैल्यू पीजीएम की जो लो कॉस्ट वैल्यू उसके सामने आप गोल्ड का पैसा वापस लेते, तो दैट इज इथिकली ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज पीजीएम? व्हाट इज पीजीएम पीजीएम? प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स। मैंने पहली स्लाइड थी एक्चुअली द फर्स्ट प्लेटिनम यस यस स्लाइड। यस ओके गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम। प्लेटिनम के अंदर में सिक्स पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो देयर आर सिक्स एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ सिक्स एलिमेंट व्हिच आर नोन एज पीजीएम। एंड ऑल दिस पीजीएम्स आर बेसिकली, इसमें से कुछ पीजीएम ऐसे है इरिडियम है या रुथेनियम है या रोडियम है, ये सब एक्चुअली क्या होता है कि अपना एसिड में डिजोल्व नहीं होते और ऐसे ही रह जाते। एंड पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट इरिडियम एंड रुथेनियम विच आर नॉट सॉल्युबल इवन इन एक्वारिजिया। तो अगर एक्वारिजिया यूज नहीं किया और एसिड पार्टिंग से करते तो दोनों चीज अंदर में ही रह जाएगी विच इज बेसिकली डेट्रीमेंटल टू योर प्योर गोल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, और मैं थैंक यू इसलिए वेरी मच। बता रहा हूँ कि वेरी अब 1900 जब 2004 में हुआ था तो जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू, आई वॉज द फर्स्ट रिफाइनरी टू सफर ऑलमोस्ट अबाउट 6 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड वेंट आउट ऑफ माई हैंड इन 1 month। आई नेवर न्यू इट ओनली ओ बिकॉज ऑफ माय इरिडियम, only because of iridium. Oh. Right, that time iridium cost was 100 rupees per ounce. The gold price was $800 an ounce. Yes. And this is the reason why in 2004, IS-1417 jo hallmarking ka jo revise kiya gaya tha, that happened right here in Ahmedabad. We had to call the BIS team here. We had a special meeting. And the IS-1417 was actually, which is the marking specification for gold jewelry, was changed immediately that any gold containing PGM impurities will not be hallmarked. And then the concept of, भई अब मेरे को पता कैसा चला, आपने तो तेजाब बना, मेरे को इसमें PGM है नहीं चले, उसके लिए आपको XRF आएगा. So till 2003 there was no XRF also. But ये आने के बाद पता चला कि which is the equipment which can detect without destroying your jewelry, भई इसमें PGM है या नहीं है. तो इसलिए XRF का उद्भव हुआ, नहीं तो XRF पहले था नहीं. हॉलमार्किंग सब हाथ से करते थे हम लोग, ना तो XRF होता था. जितनी भी हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलरी आती थी जस्ट बाय द एक्सपीरियंस वी आर कलेक्टिंग 10% मैंडेटरी था. हम लोग उसमें से ज्वेलरी देखते थे, टच स्टोन करते थे, एसिड डाल के देख लेते थे कि बरोबर है या नहीं. एंड देन वी यूज टू ड्रॉ सैंपल एंड पूरी की पूरी ज्वेलरी हॉलमार्क हो जाती थी. मगर बाद में XRF आने के बाद अभी तो हो गया कि प्रिलिमिनरी आपको ये कर देना है, सब सेग्रीगेशन कर देना है, हॉलमार्क XRF करेंगे तो आपको पता चलेगा एनीथिंग लेस देन 9160 किसी में कैडमियम है किसी में इरिडियम है तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाती है. तो दैट वाज द रीजन. ओके यस यस वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। और मेरा एक अदर क्वेश्चन है कि एक्वायरिजिया और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कौन सी प्रोसेस अच्छी और रिजनेबल प्राइस पे आप कर सकते हैं? And electrolytic refining actually basically the best method if your gold content is above 85, but it's very expensive. I'll tell you why. Aquaria process mein equipment ke cost electrolytic refining se kaafi kam hai, magar aap quantity ke upar mein depend karta. Agar aapka gold 90% ya 95% ke upar hai, to you can even go for electrolytic refining. Magar electro refining mein basically do cheeze, ek to aapki impure gold hai, uska ek anode banta hai, cathode banta hai.
बरोबर है। और इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिकली आपको जो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको कंड्यूट करनी है, और उसमें से जो ये सॉल्यूशन रहता है वो पूरा गोल्ड का सॉल्यूशन रहता है, तो आपकी एक इन्वेंट्री बन जाती है। जितना आपका गोल्ड कंटेंट है, मुझे समझो मेरे पास 40 किलो गोल्ड मैंने रिफाइनिंग में रखा है, 10 किलो, चलो 5 किलो का गोल्ड मैंने रिफाइनिंग में रखा, तो कम से कम 2 किलो का सॉल्यूशन मेरा हमेशा पानी में पड़ा रहेगा। दैट्स वॉट इन्वेंट्री, इट विल ऑलवेज रिमेन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए आपको गोल्ड का खुद का 2 किलो का गोल्ड हमेशा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, 5 किलो गोल्ड रिफाइन करना है, समझ गए? एक्वारिजम में वो सेम नहीं है, प्योरिटी जो जो हम रिफाइंड मतलब 85% या 90% वो सेम प्योर प्योरिटी प्योर के या गोल्ड का, प्योर गोल्ड का आपको प्योर गोल्ड सॉल्यूशन बना के डालना पड़ेगा, प्योर गोल्ड का। का? ओके आपका ओके इलेक्ट्रोलाइट है वो तो प्योर गोल्ड में से ही बनता है, यस 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 बरोबर? तेजा बताओ, 99% के ऊपर का इलेक्ट्रोलाइट बनेगा आपको, या तो प्योर गोल्ड को आपको डिजोल्व करना है एक्वारिजा, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और उसमें बाद में आपको गोल्ड भी जो आपको जो रिफाइन करना चाहते हो उसकी प्योरिटी, अगर उसमें समझो सिल्वर ज्यादा है या कॉपर ज्यादा है, तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको मदद नहीं करेगा, बिकॉज योर एंटायर गोल्ड विच इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑल्सो विल नॉट बी सर्विंग द पर्पज, के आपके गोल्ड की क्वालिटी चाहिए वो नहीं आएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग गोल्ड जब बनता है, जब भी व्हेन यू वांट 4-9 गोल्ड, और जहाँ पे बहुत बड़ी रिफाइनरी है, जैसे अपने आप इंडिया में ऐसे MMTC पैम्प या सब रिफाइन, जहाँ पे डोरे आते 85-90% प्योरिटी के ऊपर में, आपको कुछ एक्वायरीज़ भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करता है, वो डोरे पूरा का पूरा डोरे ऐसे ही आपका सेल में चला जाएगा, बरोबर? और उसको रिफाइन होकर आपको सामने आपको 4-9 का गोल्ड बाहर आ जाता है। बट दिस कंसेप्ट इज बेसिकली फॉर ऑल बिग रिफाइनरीज, नॉर्मली डोंट गो फॉर एक्वायरिया। मैं 200 किलो का एक्वायरिया का प्लांट कभी नहीं चलाऊंगा, आई विल रादर गो फॉर, इफ माई इनपुट इज ऑफ 90% प्योर, आई विल पुट अप माई इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड नॉट गो फॉर एक्वायरिया रिफाइनिंग। एक्वायरिया रिफाइनिंग का आपको मैंने ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के बीच में अभी अभी तुरंत में शॉर्ट में बता दिया, एक्वायरिया रिफाइनिंग में देर इज लॉट ऑफ जनरेशन ऑफ अफ्लुएंस, गैस निकलता है, खराब एसिड निकलता है, उसका आप निकलते निकलते आपको दम निकल जाएगा, बरबर है? और आप इसको एनवायरमेंट में बिकॉज ऑफ टू जस्ट टेक अप केयर ऑफ एनवायरमेंट, यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट इन द ग्राउंड में, सीधा डाल दिया नीचे में गटर में डाल दिया, ये भी आप नहीं कर सकते। तो दोनों प्रोसेस में, बट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन एज कम्पेयर टू एक्वारीजा रिफाइनिंग। और एक्वारीजे का सपोज 1 kg प्लांट लगाए तो कितना कॉस्ट रहेगा? 1 kg प्लांट का कॉस्ट, आप एक खाली प्लांट से मतलब क्या, प्लांट के अगल बगल में आपको जो बाकी का स्पेंस चाहिए, बट बेसिकली यस, आपको यहाँ पे खाली हॉलमार्किंग सेंटर लगाने में समझो कम से कम, यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि 60 से 70 लाख रुपया लग जाता है, बरबर है? ओके तो आप अभी 1 kg का प्लांट लगाओ तो खाली आपको प्लांट नहीं लगाना, आपको बाकी सब चीज भी करनी है ना साथ में, यस 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 तो बरबर? प्लांट चाहे तो 40-50 लाख रुपये का आपको मिल जाएगा। जैसा मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, वॉट आर देर आर लॉट ऑफ प्लांट्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ, इंडियन काफी लोग यहाँ पे अभी आजकल यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पहले नहीं तो प्लांट नॉर्मली जो फॉरेन से आते थे वेरी एक्सपेंसिव, बट ये वी हैव कम अप विथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मगर ये सब चीज़ आपको प्लांट जब देते हैं, कभी कुछ चीज़ ऐसी है कि वो आपको नहीं पता चलेगी ना, उनको पता है कि मेरे को इसके साथ ये भी देना है साथ में, ठीक है? विच वन इज आप गुड प्लांट कंपनी लागे टू लगाओ बाय नहीं, एक्वारिया? विच वन इज वो गुड नहीं इंडियन सब कंपनी? ऐसा नहीं, ये आप खाली गूगल में सर्च कीजिए, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन बॉम्बे ऑल्सो ये ओके एक्वारिया का प्लांट बना देती है, 1 किलो से लेके 50 किलो 100 किलो तक का प्लांट भी अभी तो इंडिया में बनता है। मगर उसके साथ में आप ये सोच लेंगे भी मेरे को खाली प्लांट नहीं चाहिए, मैं आप बोला हो कि प्लांट बनाने वाले खाली प्लांट बनाते, खाली एक्वारिया प्रोसेसिंग का प्लांट, वो लोग फायर एसे का डिपार्टमेंट नहीं संभालते, वो लोग फर्नेस नहीं बनाते, वो लोग यस क्या यस करेंगे, फायर एसे जहाँ से बनता है वहां से फर्नेस ला के आपको दे देंगे। मगर आपके प्लांट के आपको क्या चाहिए बेसिकली, आपको खुद को पहले तो आप सोच लो, मेरे को रिफाइनरी करने के लिए मैंने अभी जो आप पे प्रेजेंटेशन किया ये सब चीज होगी तो आपकी रिफाइनरी बनेगी, खाली प्लांट लाने से रिफाइनरी नहीं चलेगी। बाकी जो रिफाइनरी चलती है, मैंने बोला बैकयार्ड रिफाइनरी, वो तो कोई भी कर सकता है। एक्वारिया प्रोसेस करनी है तो मैं अपनी लेबोरेटरी में एक छोटा सा मेरे पास हुड है, बरबर, लकड़े का, उसके अंदर में ऊपर फ्यूमिंग यस चैम्बर है, मैंने स्क्रबर से डाल दिया, उसके अंदर में भी मैं कर सकता हूँ 200 ग्राम, तो मुझे यस प्लांट यस लाने की यस भी जरूरत नहीं है। तो ये सब्जेक्टिव है, आप थोड़ा सोच लीजिए, 1 किलो का प्लांट ऐसा कुछ ना, मगर ये जो रिफाइनर जो प्लांट बनाते वो लोग आराम से आपको 1 किलो का प्लांट का सेटअप दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। किसी को और कुछ सवाल है?
आई थिंक सर किसी का कुछ सवाल नहीं, फिर सेशन हम लोग क्लोज करते हैं. ठीक है, सो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट एंड थैंक यू अनिल जी फॉर शेयरिंग थैंक यू सच सो मच. नॉलेज टू अवर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री. वी प्ले वन वीडियो, आफ्टर दैट वी एंड द सेशन. थैंक यू वेरी मच. कहाँ भेजा भाई, मुझे भेजा भाई. What does your investment portfolio look like without gold? Incomplete. Why? Because as a gold owner, you have the power to make bold decisions. To balance risks and returns. The power to buy and sell right at your fingertips, because as a gold owner, you can secure your investments with your strategic advantage, gold. Without which, your portfolio is incomplete. Power your portfolio with gold. World Gold Council. So once again, thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank yeah. you, sir. Yeah, I'm leaving it. Fine.